हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। इस वाले वीडियो में मेरे पास में है प्रेस्टीज कंपनी का एक वैक्यूम क्लीनर। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और इसको थोड़ा सा टेस्ट भी करके देखेंगे इसी वाले वीडियो में। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो मॉडल है टाइफून 05 है और इस वाले वैक्यूम क्लीनर में जो मोटर यूज़ किया गया है वो एक 1200 वाट का पावरफुल मोटर है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हमको काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए। वेट और ड्राई दोनों तरीके की जो क्लीनिंग है वो इसको यूज़ करके हम कर सकते हैं। कुछ हाइलाइटेड फीचर्स हमें बॉक्स के सामने की तरफ यहाँ पे देखने को मिलता है, बट अगर आप डिटेल में हर एक फीचर के बारे में जानना चाहते हो तो आप बॉक्स के पीछे यहाँ पे देख सकते हो। हर एक फीचर के बारे में काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। वैसे इसका जो डस्ट केस है वो 10 लीटर की कैपेसिटी की है और इस वाले वैक्यूम क्लीनर में हमें ऑटो कट फ्लोट फीचर भी देखने को मिलता है जो कि अपने मोटर को ओवरफ्लो से डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। काफ़ी सारे अटैचमेंट्स हमें इस वाले वैक्यूम क्लीनर के साथ में देखने को मिलता है और ये सभी चीज़ें मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। इनकी क्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि सभी चीज़ें यहाँ पे प्लास्टिक की बनाई गई हैं और इस वाले वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करके हम काफ़ी सारे सर्फेसेस को क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, मोज़ेक, वुड, ऑलमोस्ट हर एक सर्फेस में ये यूजेबल है। प्राइस के बारे में बात करें तो MRP यहाँ पे 5995 की है, बट ये आपको इजीली 4000 रुपीज़ के अंदर में देखने को मिल जाता है। इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसका करंट प्राइसिंग वहाँ से चेक कर सकते हैं। एक साल का यहाँ पे वारंटी मिल जाता है और प्रेस्टीज के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो इंडिया में काफ़ी इजीली एक्सेसिबल हैं, तो होपफुली जो सर्विस है वो भी हमको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो बॉक्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और अभी आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ हमें यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक यूज़र गाइड देखने को मिलता है जहाँ पे हमें इनके और भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है और इस वाले यूज़र गाइड के अंदर में आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमको मिलता है एक और छोटा सा बॉक्स जहाँ पे हमें व्हील्स दी गई हैं। तो इन व्हील्स को हम लगाएंगे अपने वैक्यूम क्लीनर के नीचे और इसको फ्लोर के ऊपर ड्रैग कर सकते हैं क्लीनिंग के टाइम पे। चार व्हील्स यहाँ पे दी गई हैं और इनकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी सही क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया गया है, ड्यूरेबल से यहाँ पर लग रहा है। इसके बाद में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक मल्टीपर्पज़ टूल। इस वाले टूल को हम यूज़ कर सकते हैं कॉर्नर ब्रश की तरह भी। यहाँ पे इसके ब्रिसल्स आप देख सकते हो, तो डस्ट क्लीनिंग के टाइम भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और इसको नॉर्मली इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पे हमें मिल जाता है इसका फ्लोर वाला अटैचमेंट जिसको हम ड्राई और वेट दोनों तरीके की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, तो इनको जब भी हम फ्लोर के ऊपर चलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली मूव करता है। और ये अभी इसमें वेट क्लीनिंग वाला अटैचमेंट लगा हुआ है, बट अगर हम चाहें तो यहाँ पे डस्ट क्लीनिंग वाला जो अटैचमेंट है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये वाला अटैचमेंट यहाँ पे हमको मिल जाता है और इसके ऊपर आपको यहाँ पे ब्रिसल्स देखने को मिल जाएगा, तो जो डस्ट है उसको काफ़ी ईजिली ये निकाल सकता है और फिर जो वैक्यूम है उसकी वजह से ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है और इसको हम इजीली यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेट और ड्राई दोनों तरीके की जो क्लीनिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इसका एक्सटेंशन होस जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, क्योंकि ये वाला जो अटैचमेंट है काफ़ी जल्दी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, बट ये वाला काफ़ी सही क्वालिटी का है। अराउंड 5 फीट इसकी लेंथ है जो कि मोर देन इनफ है। इसके बाद में हमें यहाँ पे मिल जाता है इसके एक्सटेंशन ट्यूब्स जो कि अगेन प्लास्टिक का बनाया गया है और 3 एक्सटेंशन ट्यूब्स यहाँ पे है। एक का जो लेंथ है अराउंड 1 फीट का है, तो तीनों मिला के हमको टोटल 3 फीट का यहाँ पे लेंथ मिल जाता है। एक के साथ में एक हम काफ़ी इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में जो फ्लोर वाला अटैचमेंट है या फिर जो स्पेशल टूल है उसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको कम लेंथ चाहिए तो आप 1 या 2 ट्यूब का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इस वाले ट्यूब में जो अटैचमेंट है ये मशीन को जब आप असेंबल करेंगे तब आपको दिखाएंगे। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे सही है। ओके, तो फाइनली अभी हमें मिलता है अपना वैक्यूम क्लीनर और ये काफ़ी लंबे केबल के साथ में आता है। मैं इसको बॉक्स के अंदर से पहले बाहर निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके केबल के बारे में। केबल यहाँ पे हमको 4.5 मीटर्स का मिलता है जो कि 15 फीट के अराउंड बन जाता है और इसको हम इजीली घर के एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जा सकते हैं क्लीनिंग के टाइम पे। और इस पर हमें 2 पिन वाला प्लग मिलता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर 2 पिन प्लग है, ईजिली डैमेज नहीं होगा। और जो केबल यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी यहाँ पर ड्यूरेबल सा लग रहा है। तो ये रहा अपना वैक्यूम क्लीनर जो कि ऑरेंज और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। ऊपर में यहाँ पे प्रेस्टीज क्लीन होम लिखा हुआ है और ये रहा इसका सक्शन वाला कनेक्टर जहाँ पे हम अपना एक्सटेंशन होस को लगा के यूज़ करेंगे।
और ऊपर के साइड में यहाँ पे अपने को पावर बटन मिल जाता है जिसको पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और ये है इसका हैंडल जिसको यूज़ करके हम इसको कैरी कर सकते हैं। और इसका जो वेट है अराउंड 3.5 kg का है, तो बहुत ज़्यादा भारी भी यहाँ पे नहीं है। इस वाले साइड में हमको इसका ब्लोअर वाला कनेक्टर मिल जाता है, तो इस वाले मशीन को हम एज ए ब्लोअर भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज रखने के लिए चीज़ें बना के दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे हम अपना केबल को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं जब हम मशीन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे हम अपना जो फ्लोर वाला अटैचमेंट है उसको रख सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने एक्सटेंशन ट्यूब्स को भी लगा के रख सकते हैं। मैं आपको असेंबल करके भी दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले इसके डस्ट केस को आपको दिखा देते हैं, जिसके लिए हमको इस मशीन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको निकालना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ईजी है। यहाँ पे हमको लॉक वाला मैकेनिज्म मिलता है। यहाँ पे आप एक साइड का लॉक देख सकते हो और इस वाले साइड में हमको एक और लॉक यहाँ पे दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए ये जो दो लॉक्स हैं इनको प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद में ये काफ़ी ईजीली निकल आता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमें मिल जाता है 10 लीटर के कैपेसिटी वाला डस्ट केस, जहाँ पे वाटर और डस्ट जो है वो यहाँ पे स्टोर होता है। और इसको क्लीन करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इस वाले साइड में हमको यहाँ पे इसका फ़िल्टर देखने को मिलता है, और ये वाला फ़िल्टर काफ़ी टाइम तक चलता है, ईजीली यहाँ पे डैमेज नहीं होता है, जो कि एक अच्छी बात है इस वाले वैक्यूम क्लीनर का। और इसको लगाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे हम इसको अलाइन करेंगे और उसके बाद में जो लॉक है वो यहाँ पे काफ़ी ईजिली अटैच हो जाता है, और उसके बाद में फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके व्हील्स को लगा लेते हैं। तो व्हील्स लगाने का जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे जो मेटल वाला यहाँ पे कनेक्टर आप देख रहे हो, और यहाँ पे होल में हमको इसको लगाना है, और जितना हो सके यहाँ पे इसको प्रेस करके अंदर की तरफ लगा देना है। मैं यहाँ पे चारों के चार व्हील्स लगा लेता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे व्हील्स मैंने लगा लिया है, और ये जो मेटल पार्ट है यहाँ पे अंदर की तरफ जितना हो सकता है मैंने लगा दिया है। और अभी इसको फ्लोर के ऊपर ड्रैग करके हम अपना जो क्लीनिंग है वो काफ़ी इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वाले वैक्यूम क्लीनर को मैंने यहाँ पे पूरा असेंबल कर लिया है, और कुछ इस तरीके से ये दिखता है। और इसके जो फ्लोर वाले अटैचमेंट है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। एक्स्ट्रा वाले जो ट्यूब्स हैं अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे लगा के रख सकते हो। और इसी तरीके से यहाँ पर जो टूल हमको मिला था उसको इस तरीके से रख सकते हैं। और सेम तरीके से एक और जगह यहाँ पे बना के भी हमको दिया गया है। और जहाँ तक बात है केबल ऑर्गेनाइज़र की, तो केबल को भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके हम लोग रख सकते हैं जब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, डस्ट वगैरह क्लीन करके देखते हैं, और इसका जो नॉइस है वो भी आपको सुना देते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे नॉइस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये वाला जो प्रोडक्ट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये 1200 वाट के पावरफुल मोटर के साथ में आता है। ड्राई और वेट दोनों तरीके की क्लीनिंग हम इसके साथ में कर सकते हैं, और हमको जो ब्लोअर वाला फीचर है वो भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हो तो इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।